नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास ठेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में। इस वीडियो में हम उन फैक्ट्स की बात करेंगे जिनके जरिए आप मिस्र की सभ्यता से जुड़े किसी भी प्रश्न को एक बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मिस्र की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में फ्रांस के महान सम्राट व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट ने लगाया था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी की देन की संज्ञा दी है, यानी कि हेरोडोटस ने नील नदी की देन या फिर नील नदी का वरदान कहा है किसे, तो मिस्र की सभ्यता को, क्योंकि यह सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी थी। आप पाएंगे कि ज़्यादातर सभ्यता, चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि नदियों के किनारे जीवन आसान हो जाता था, चाहे वो यातायात की बात हो, नाव के जरिए किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते थे, या फिर भोजन की बात हो या फिर कृषि की बात हो, वो सभी नदियों के किनारे आसानी से किया जा सकता था। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। नील नदी सूडान के पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। 332 ईसा पूर्व में यूनान के प्रसिद्ध योद्धा सिकंदर ने मिस्र को जीता। इस प्रकार तक मिस्र में सम्मिलित रूप से 31 राजवंशों ने शासन किया। नील नदी की घाटी में जूट के समान एक पौधा होता था जिससे लोग वस्त्र का निर्माण करते थे। मिस्र के इतिहास का प्रारंभिक काल 3400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक पिरामिड युग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पेपरिस नामक एक पौधे से कागज बनाया जाता था। संभवतः अंग्रेजी का पेपर शब्द इसी से उद्भव हुआ है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के जो बड़े आंसर होते हैं उनके नोट्स में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में उसका मटेरियल नहीं है, लेकिन इन फैक्ट्स के जरिए आप बड़े आंसर को आसानी से लिख सकते हैं और आपको अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। पेपरिस नाम का जो पौधा होता है उससे कागज़ बनाया जाता था, और अंग्रेजी का जो पेपर शब्द है शायद वह इसी पेड़ के नाम से आया होगा। विश्व प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड का निर्माण 1 लाख मजदूरों ने मिलकर लगभग 20 वर्षों तक लगातार श्रम करके किया था। मिस्र के लोग मृतकों के वास स्थान के लिए विशाल समाधियां बनाते थे जिन्हें पिरामिड कहा जाता था। तो पिरामिड किस प्रकार के होते थे? तो पिरामिड इस प्रकार की संरचनाएं होती थी, इस प्रकार की जो आप देखते हैं, इस प्रकार की संरचना होती थी, और यहाँ पर इसके अंदर उनकी समाधियाँ रखी होती थी। आप चाहें तो गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च करके पिरामिड के बारे में भी देख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से याद रहेंगी। मिस्रवासियों ने हायरोग्लिफिक लिपि का उपयोग किया था। सौर पंचांग मिस्रवासियों की सबसे बड़ी लिपि उपलब्धि मानी जाती है। मिस्र में बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद का प्रचार अख्नाटन ने किया था, यानी कि अख्नाटन ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। यहाँ पर पहले बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे ईश्वरों का प्रचलन था, जैसे कि भारत में हिंदू धर्म में हम देखते हैं। स्फिंक्स प्राचीन मिस्र की एक अन्य आश्चर्यजनक उपलब्धि है, जिसका निर्माण पिरामिड युग 3500 से 2500 ईसा पूर्व में हुआ। स्फिंक्स क्या होते थे? वे पत्थर एवं धातु से निर्मित विचित्र विचित्र प्रकार की मूर्तियां होती थी। कुछ मूर्तियों में शरीर बिल्कुल इंसान जैसा होता था, लेकिन जो चेहरा होता था वो शेर या फिर किसी जानवर का चेहरा होता था, लेकिन कुछ मूर्तियों में पूरा शरीर जानवरों का होता था और चेहरा इंसानों का होता था। तो इस प्रकार की जो विचित्र मूर्तियां होती थी वो भी इस मिस्र की सभ्यता की देन है, जिन्हें स्फिंक्स कहा जाता है। मिस्रवासियों को गणित एवं चिकित्सा शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान था, परंतु वे शल्य चिकित्सा से अनभिज्ञ थे। मिस्रवासियों ने 1 से 9 तक के अंकों एवं दशमलव से परिचित थे, परंतु उन्हें सुनने का ज्ञान नहीं था। मिस्र में पिरामिडों की कुल संख्या कितनी थी? तो 70 कुल पिरामिड है। इनमें गीजे का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा पिरामिड है। गीजे के पिरामिड का निर्माण मिस्र के चौथे राजवंश के सम्राट खुफू ने करवाया था।
13 एकड़ भूमि में विस्तृत इस गीजे के पिरामिड की लंबाई 755 फीट एवं चौड़ाई 484 फीट है तथा वह विश्व में सबसे बड़ा है। मम्मी भी एक प्रकार की जो एक तकनीक है, वो भी मिस्र की सभ्यता से सामने निकल कर आई। मिस्र जो मम्मी क्या है, तो मम्मी किसी भी शव को सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया है। और पहली मम्मी की खोज 1892 में सर फ्लाइंडर्स पीटी ने की थी। मम्मी क्या होती है, तो मम्मी की बनावट के तहत सम्राटों एवं दूसरे महान व्यक्तियों के शव के अंदर मस्तिष्क और जो हृदय होता है, इस प्रकार के सभी भागों को निकाल लिया जाता है और उनके स्थान पर सोना और अन्य धातु साथ ही कई प्रकार के मसाले, दवा एवं सुगंधित पदार्थों को भर दिया जाता था तथा शव को ऊपर कपड़ों को लपेटकर, जो पट्टियां होती है उन्हें लपेटकर एक बक्से के अंदर व्यक्ति को भर दिया जाता था और उस बक्से के ऊपर प्रमुख फरोहा की प्रमुख कृतियों को बना दिया जाता था और फिर उसे किसी पिरामिड में रखा जाता था। तो यहाँ पर होता क्या था कि किसी भी व्यक्ति जो कि प्रसिद्ध होते थे या फिर जिन्हें लोग चाहते थे कि एक लंबे समय तक इनकी याद हमारे बीच में रहे, इनका शरीर सुरक्षित रहे, तो उन लोगों के साथ ऐसा किया जाता था। चाहे वह कोई प्रसिद्ध सम्राट हो सकता है या फिर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे लंबे समय तक लोग देखना चाहे एक शरीर के तौर पर। तो यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया मिस्र की सभ्यता, हमने ममी, स्फिंक्स, पिरामिड, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप इन फैक्ट्स के ज़रिए अच्छे, बेहतर से बेहतर उत्तर लिख पाएंगे और इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको सही तरीके से उत्तर अवेलेबल नहीं करवा पाया क्योंकि मेरे पास में मटेरियल की कमी है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, महान उपलब्धियाँ आसानी से नहीं मिलती, आसानी से मिलती तो वे महान नहीं होती। इसीलिए अगर आपको कुछ जीवन में करना है तो आपको संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा। फिर मिलेंगे अपने ही कुछ वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।